मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ तभी से मनुष्य आनंद की कामना करता आया है, अंधकार की जगह तेज की उपासना करता आया है और अमृत की शाश्वत की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहा है। किंतु वास्तविकता यह है कि आज सर्वसाधारण मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है। दुनियावी दुखों से, राग द्वेष और षड रिपुओं से मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाला तत्व है ज्ञान। जीव जगत और जगदीश का ज्ञान, जीवन के कंटकमय पथ पर चलने का साहस और मार्गदर्शन दे ऐसा ज्ञान। भारत ज्ञान विज्ञान की भूमि है, तेजस्विता यहाँ भरी पड़ी है। समूचे विश्व को जीवन के श्रेष्ठतम तत्व आध्यात्म का साक्षात्कार कराने वाला सामर्थ्य हमारी प्रिय भारत भूमि में है। ऐसे महान देश में, गुजरात की कर्म भूमि में आशा का, तेज का किरण फूटा है। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी स्वप्न सृष्टि से प्रकट हुआ एक सत्वशील विचार बीज, एक अनूठा कार्य जिसकी व्याप्ति की कल्पना करनी भी असंभव है। ऐसा विराट कार्य स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विचार सूत्र दिया, प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट, और हम मानते हैं कि पहले परिवार स्वयं एक यूनिवर्सिटी, बच्चा दादा से एक सीखता था, दादी से दूसरा, नाना से एक, नानी से दूसरा, बड़े भाई से कुछ सीखता था। यानी एक प्रकार से परिवार के अंदर ही उसको इतना ग्रूमिंग होता था, हर चीज सीखता था। आज माइक्रो फैमिली हो गया है और वो दोनों भी रोजी रोटी कमाने चले जाते हैं, तो वो अकेला आया के पास छोड़ दिया जाता है। अब उसका डेवलपमेंट क्या होगा? अब फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो हमने नए इंस्टीट्यूशन डेवलप करने चाहिए जो आने वाले 2,000-4,000 साल तक समाज के लिए काम आए। तो ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी वो रोल प्ले करता है। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की स्थापना जुलाई 2009 में की गई। उसके ध्येय और कार्य का गहन चिंतन कर उसे संवैधानिक रूप दिया ऋषि तुल्य आदरणीय श्री किरीट भाई जोशी ने। प्रथम कुलपति के रूप में श्री हर्षक भाई शाह ने दिनांक 16 जनवरी 2012 से कार्यभार संभाला। यूनिवर्सिटी के डीजी के रूप में श्री दिव्यांशु दवे ने कार्यभार संभाला है। दिनांक 27 जनवरी 2016 से गुजरात के शिक्षा जगत के दिग्गज प्रोफेसर डॉक्टर के एस लिखिया ने यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। उनके आगमन से यूनिवर्सिटी के विकास को नई ऊर्जा प्राप्त हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी विकास के कई कार्य का प्रारंभ करवाया। यूनिवर्सिटी 4 स्तंभों पर खड़ी है, अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और विस्तरण। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है उत्तम मनुष्यों का निर्माण करना। प्रत्येक बालक अपरिमित शक्ति लेकर जन्म लेता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा बोधक सूत्र यूनिवर्सिटी ने अपनाया है। अनन्यो आनंद रूपो अनंतो अहम्। प्रत्येक बालक की अनन्यता का स्वीकार करना, उसकी असीम शक्तियों व संभावनाओं को पहचानना, उसे गति प्रदान करना,
और यह सब करते हुए भी उसके आनंद को न केवल सुरक्षित रखना बल्कि उसके आनंद का संवर्धन करना, यही बाल विकास की सच्ची दिशा है। बालक के सर्वांगी विकास हेतु आवश्यक शोध आविष्कार करना, शिक्षा में भी युगानुकूल और इष्ट परिवर्तन करना, शिक्षकों को तदनुरूप प्रशिक्षण देना और सत्वशील विचारों को समाज के कोने कोने तक फैलाना, यही हमारे आयामों की फलश्रुति होनी चाहिए। हमारे सभी कार्यों में, कार्यक्रमों में, प्रकल्पों में चारों बातें अभिन्न रूप से समाविष्ट हैं। आइए देखें यूनिवर्सिटी की विविध कार्य योजनाओं को। तपोवन संशोधन केंद्र 2 अक्टूबर 2010 से यह प्रकल्प चल रहा है, गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण, गर्भस्थ शिशु को संस्कार, गर्भवती माताओं में सृजनशीलता, तेजस्विता और प्रसन्नता निर्माण करने हेतु प्रतिदिन 3 घंटों की प्रवृत्तियां बहने करती हैं। आज तक विभिन्न स्थानों पर कई केंद्र कार्यरत हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में भी तपोवन गर्भ संस्कार केंद्र दिसंबर 2014 से चल रहा है। इन केंद्रों में कुल 28,000 से अधिक माताओं ने गर्भ शिक्षण पाया और तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया। तपोवन विस्तरण सेवा। इस प्रकल्प के अंतर्गत गांधीनगर के आसपास के 6 स्थानों पर घर घर जाकर यूनिवर्सिटी की प्रकल्प संयोजक बहनें गर्भ संस्कार प्रवृत्तियां कराती हैं। इसमें 2 साल की अवधि में कुल 3,000 माताओं का प्रशिक्षण हुआ है। इस प्रकल्प को समाज की बहुत अच्छी स्वीकृति मिली है। शिक्षण केंद्र। विश्वविद्यालय के मूल कार्य के रूप एमफिल और पीएचडी के अभ्यासक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत स्कॉलर्स बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे। विद्या निकेतन। शैक्षणिक प्रयोग और प्रवृत्तियों के माध्यम से नूतन आविष्कार करने हेतु दिसंबर 2016 तक विविध जिलों में 29 विद्यालयों को संलग्नित किया है। हमारा लक्ष्य है कि कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों का पूर्ण विकास करना, तदर्थ शिक्षकों का आवश्यक प्रशिक्षण करना, अभिभावकों को शिक्षा के बारे में, बालकों के विकास के बारे में सही दिशा बोध कराना। इसके अंतर्गत चल रहे प्रकल्प और विविध कार्य योजनाएं गहन चिंतन, मंथन, आयोजन के पश्चात लागू किए गए हैं। कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए वाचन, पठन और अर्थ ग्रहण क्षमता के विकास का विशेष आयोजन किया गया, जिसके बहुत प्रभावी परिणाम मिले हैं। कक्षा 7-8 के विद्यार्थियों के लिए वर्ष में 50 घंटों का एक विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्माण किया गया, जिसका नाम है आविष्कार। उमंग और रोमांच इन पुस्तकों के नाम हैं। विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण अभ्यास के लिए और उनकी स्वशक्तियों की पहचान के लिए यह प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह प्रयोग अब संलग्नित 23 विद्यालयों में सफल रूप से काम कर रहा है। बस्ते का बोझ कम करने और क्षति निवारण हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए संकलित अभ्यासक्रम का निर्माण किया गया। 8 विद्यालयों के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 1500 विद्यार्थियों का विशेष परीक्षण करके उनमें 41 तेजस्वी विद्यार्थियों को चुना गया। उनके लिए विशेष तेजस्विता संवर्धन शिविर आयोजित किया गया। विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालोत्सव, अरण्योत्सव, वाचनोत्सव, गगनोत्सव, विवेकानंद जन्म जयंती उत्सव, कला शिविर इत्यादि। अक्रेडिटेशन। स्कूलों के मूल्यांकन करके उसके गुणवत्ता सभर हेतु अक्रेडिटेशन का कार्य हो रहा है। विश्व के प्रथम योग दिवस के उपलक्ष्य में योग संशोधन सार संचय प्रकाशित किया गया। विद्यार्थी विकास, परिवार और कुछ सामाजिक विषयों को लेकर 15 प्रकार के विषयों पर शोध कार्य हुआ।
गुजरात की 3 पिछड़ी हुई तहसीलों में विशेष उपचारात्मक शिक्षा प्रकल्प शुरू हुआ। उच्छल, सोनगढ़ और निर्झर के 148 स्कूलों के छात्रों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय अच्छी तरह पढ़ाने की यह विशेष योजना है। इसमें 160 नए शिक्षकों को प्रशिक्षित कर कार्य में जुटाया गया है। शिक्षा में भारतीय चिंतन विषय पर गुजरात के विभिन्न स्थानों पर 7 परिसंवाद हुए, जिनमें करीब 1000 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। दिनांक 9/8/2015 के दिन एकात्म मानव दर्शन, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री एवं शिक्षा मंत्री श्री भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के साथ तेजस्वी बालक, तेजस्वी भारत गर्भ संस्कार विषयक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। विद्यावान प्रकल्प 1 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी का एक केंद्रीय पुस्तकालय और बाल पुस्तकालय निर्माण किया गया है, जिनमें कुल 18,000 से अधिक पुस्तकें हैं। अब पुस्तकालय को अनुसंधान पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के प्रकाशन, जन्म से 1 साल और 1 से 3 साल की आयु के शिशुओं की माताओं के लिए शिशु परामर्शन केंद्र कार्यरत हैं। माता पिता के लिए परिवार की पाठशाला का विशेष कार्यक्रम शुरू होगा। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जैसे विभिन्न अभ्यासक्रमों की योजना बनाई गई है। भव्य दिव्य भारत के निर्माण के लिए बहुत कुछ करना अभी शेष है, अथक अविरत साधना जारी है। तेजस्वी बालक, तेजस्वी भारत, जय जय गर्वी गुजरात, भारत माता की जय।